हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। मतलब गौतम एक लड़का है, ठीक है। गौतम क्या किया, लोन लिया एक कोऑपरेटिव बैंक से ताकि वो एक पोल्ट्री फार्म खोल सके और सिंपल इंटरेस्ट 12%। मतलब हम लोग का आर दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है कितना, 12%, ठीक है। एवरी मंथ He has to repay rupees 378 as interest। मतलब हर महीना उसको 378 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट का तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्याज हर महीना उसको 370/8 रुपया, ठीक है ना, मैंने 378 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। Let us determine the loan amount taken by him। तो हम लोग को उसका लोन अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को टाइम दे बोला गया है। एवरी मंथ मतलब हर महीना, तो हर महीना मतलब हम लोग उसको समझ के चलते हैं 12, 1/12, ठीक है, 1/12 ऐसा करके लिख देते यार, ठीक है ना। अब उसका इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना बोला है जो हर महीना वो पे करता है, रुपीस 378। आपको बोला गया है कि अमाउंट निकालने के लिए, जो लोन वो लिया था ना, वो मतलब आपको बोला है प्रिंसिपल निकालने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल को। हम लोग क्या लगता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, है कि नहीं, इक्वल्स टू एस आई, ठीक है ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो प्रिंसिपल का जगह में मतलब निकालना ही है ना प्रिंसिपल, तो पी लिख दीजिए। रेट का जगह में कितना लिखेंगे, 12%, और टाइम का जगह में 1/12 लिख देंगे, ठीक है ना, इंटू 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना था, 378 रुपीस। अब देखिए, अगर होगा तो आप डायरेक्ट 12 से 12 को काट दीजिए, हो गया खत्म, ठीक है ना। अब क्या बचा, इधर पर 100 बचा, लिख दीजिए 378 इक्वल्स टू पी इंटू 1/100। तो पी इंटू 1 मतलब पी होगा, ठीक है ना। अब 100 इधर पर चला गया, इधर पर डिवाइड में है, इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 378 और 20 हो गया पी का वैल्यू। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीका से है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, मतलब टाइम निकालना है जिसमें कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसका दो गुना, है ना, ट्वाइस हो जाता है। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिर्फ हम लोग को रेट दिया गया है, ठीक है। हम लोग को इधर पर प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है, ठीक है, और हम लोग को सिर्फ रेट दे दिया गया है इधर पर, वह है 6%, और इंटरेस्ट भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये वाला सम उसको कैसे करेंगे, मान के चलिए कि प्रिंसिपल, ठीक है ना, सपोज करके चलिए कि प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कुछ एक्स था, कुछ एक्स रुपीस था, ठीक है। अब उसका जो इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसका जो आपका बोल दीजिए कि उसका जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, वो ट्वाइस एक्स मतलब 2x कर दीजिए, 2 इंटू एक्स 2x कर लीजिए, ठीक है।
अब इंटरेस्ट तब कितना होगा हम लोग का, एक्स है ना, इंटरेस्ट नहीं है तो एक्स मान लीजिए। अब रेट कितना था, 6%, और टाइम टी ईयर्स मान के चलते हैं, ठीक है, टी ईयर्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, मैंने एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। तो अब एस आई कुछ नहीं है, तो एस आई का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिख दीजिए, ठीक है। अब पी वो भी कुछ नहीं है, तो उसका जगह भी एक्स लिख दीजिए। टाइम तो कुछ दिया नहीं गया, उसका जगह टी लिख दीजिए। और रेट कितना था, 6%, 6/100, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है क्या, टाइम निकालना है ना। तो टाइम देखिए, टाइम को इधर पर रहने दीजिए, 100 को इधर पर ये डिवाइड में है, इक्वल्स टू का इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। और 6 इधर पर इनटू में, इक्वल्स टू का राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तब ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या इधर पर हम लोग का, बचेगा टी इक्वल्स टू, ठीक है, 100/6। अब काटिए इसको, काटेंगे तो कितना होगा, 100/6 को 2 3 जा 2 50 जा, और तो ये कटेगा नहीं, तो 50/3, ठीक है। अगर इसको हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें तो इस, नहीं तो यही आंसर आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको और तोड़ेंगे तो ये और टूटेगा, चलिए तोड़ के ही देख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 50/3, 3 1 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये 0, 3 6 18 है ना। अब करते रहेंगे तो ऐसा करके चलते ही रहेगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीका से आप लिख सकते हैं, 3 तो जैसा कि वैसा 16 और 2, ये है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीका से है, मनमयान ऑब्जर्व्ड आफ्टर 6 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन ऑफ सम मनी दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैज़ बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। मतलब कि मनमयान जो है, ठीक है, वो 6 साल तक ऑब्जर्व किया है ना, देखा कि वो जो लोन लिया है, ठीक है ना, वो जो लोन लिया उसका ऊपर जो इसको इंटरेस्ट लग रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 3/8 टाइम्स है। तो उसको बोला गया रेट निकालने के लिए, ठीक है ना, रेट निकालने बोला है परसेंटेज फॉर्म में, ठीक। तो इधर पर मान लीजिए वो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ लोन लिया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सपोज करिए कि जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वो मान लीजिए कुछ एक्स अमाउंट था, प्रिंसिपल मान लीजिए कुछ एक्स अमाउंट था। अब उसका इंटरेस्ट, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो मान लीजिए दिया गया है 3/8 है ना, टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, 3/8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था, एक्स था, तो 3 × x कर देंगे तो कितना होगा, 3x/8, इतना टाइम उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। आपको बोला है आर माने रेट निकालने के लिए, ठीक है ना, रेट निकालने बोला है। तो फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग का, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। तो इधर पर एस आई हम लोग को कितना दिया है, 3/x/8 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हम लोग का दिया कितना है, वो भी दिया है एक्स, और हम लोग को आर निकालना है, टाइम दे दिया गया है 6 ईयर/100, ठीक, ठीक है। तो आप क्या करिए इसको, ठीक है ना, अब ये 3x/8 है, तो आप क्या करिए इसको इधर पर ये इंटू में है माने डिवाइड में है, इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इंटू हो जाएगा, माने 3/8x/100, ठीक है। अब ये 6 इधर पर इंटू में है तो इक्वल्स टू का इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिवाइड हो जाएगा इधर पर आके, ठीक है ना, क्लियर है, तो आपको क्लियर हो रहा है। हाँ, अब क्या बचा है, अब बचा है ये एक्स, ये एक्स भी इधर पर इंटू में है, इक्वल्स टू का इस तरफ आएगा तो ये भी हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। चलिए अब काटते, अब और कुछ नहीं, अब आर को लिख देते हैं इधर पर, अब काटते हैं। देखिए 2 50 जा 2 4 जा 2 25 जा 2 2 जा
और तो ये कटेगा नहीं, कटेगा कटेगा, और हाँ ये कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है ठीक, तो 25 ऊपर में बचा और इधर पर 2 2 जा 4। 25/4 को अगर परसेंटेज में करने चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 25/4, 4 5 जा 24, 6 जा 24, माइनस के 1 बचा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/6/1%, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीका से है, एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव एन एग्रीकल्चर लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर लोन देता है, ठीक है, उसका एक मेंबर को कितना, 4% रेट में, ठीक है, बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवेन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7.4% पर एनम, पर जो सिंपल फ्रॉम अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, पर बैंक जो लोन दिया था उसको 7.4% का, ठीक है ना। तो इफ अ फार्मर बिकम अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक अ लोन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम इज इट इन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, देन लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द अमाउंट मनी टू बी सेव्ड एज एन इंटरेस्ट। देखिए ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, सुनिए क्या है। इधर पर एक ठो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जन को लोन देता है, ठीक है, उसका एक मेंबर को लोन देता है 4% में, और वैसे ही तरह का लोन एक ठो बैंक उसको देता है 7.4% का। अब वो फार्मर को, ठीक है, 5,000 रुपीज़ में, वो कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लेता है वो 5,000 रुपीज़ में। अब सोच के चलिए कि उसको बैंक लोन दिया है 5,000 का और उसको एक ठो कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया है 5,000 रुपीज़ लोन का। अब किसका इंटरेस्ट उसको पैसा बचाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दो ठो इंटरेस्ट है ना, तो दोनों का अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है। पहला इंटरेस्ट कौन मतलब लोन कौन दिया था, आपका कोऑपरेटिव बैंक, तो इधर पर लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए कि इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो SIP इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक, तो प्रिंसिपल कितना था बोलिए, तो 5,000 रुपीज़, रेट कितना था पहला 4%, इंटू टाइम कितना था, टाइम कुछ बोला नहीं गया, 1 ईयर मान के चलते हैं, ठीक है, अब 100 से, ठीक है ना, तो 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20, मतलब 200, 200 था कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला में बोला गया है, अब नेक्स्ट वाला में कर लीजिए, नेक्स्ट वाला में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन बैंक करके चलते हैं, ठीक है, इसका भी सेम चीज, SI=P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब प्रिंसिपल इसका क्या था बोलिए, तो 5,000, इंटरेस्ट कितना था मतलब रेट 4 7.4%, और टाइम कितना था इसको भी 1 मान के चलते हैं, ठीक है, अब 100, ठीक है ना, हो गया 100, अब 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाने के लिए इधर पर इंटू 10 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, बचा क्या, 5 इंटू 74, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 7 जा 35, 36 37, मैंने 370 370 रुपीज़, ठीक है। अब फर्स्ट वाला हम लोग का कोऑपरेटिव का कितना था, 200 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड का कितना था हम लोग का, 370 रुपीज़, तो टोटल वो कितना बचाता है ना, हम लोग को लिखना है ना कितना बचा है, टोटल सेव्ड कितना, देखिए 370 से माइनस कर दीजिए 200, तो आ जाएगा 170, तो हम वो बचाती कितना है, वो मेंबर जो है वो बचाता कितना है, वो 170 रुपीज़ बचाता है, ठीक है, तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीका से है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292 इन अ डे बी 1 पैसे,
देन लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। मतलब बोला गया है कि प्रिंसिपल, ठीक है, 292 रुपीस था, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट कितना था, 1 पैसे, ठीक है, तो 1 पैसे को रुपीस में चेंज कर देंगे तो कितना लिख सकते हैं। देखिए तो 1 रुपीस में, माने 1 रुपीस में 100 पैसा होता, तो 1 पैसे में कितना रुपीस होगा, 1/100, ठीक है, ये रुपीस में चेंज हो गया। अब टाइम जो था 1 डे था, तो 1 डे को ईयर में करना है तो 1/365, ठीक है, तो ये भी ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब आर हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। तो अब एस आई हम लोग का 1/100 था, पी हम लोग का 292 था, आर हम लोग को निकालना है, टाइम कितना है, 1/365 इंटू 100, है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1/100 है, अब ये 100 इधर पर इनटू में, मतलब डिवाइड में है, इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक बचा क्या, 365, 292 और 1 को रहने दीजिए, ठीक है, 1 × r तो r ही हो जाएगा फिर। अब ये इधर पर क्या है, डिवाइड में है, इक्वल्स टू का इस तरफ जाएगा तो इनटू मतलब इधर पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर पर बचा है किसमें, r का साथ इनटू में, इक्वल्स टू का इस तरफ आएगा तो इधर पर नीचे में हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 365/292। अब ये दोनों को काट दीजिए, आर का वैल्यू आ जाएगा अपना, तो ये ब्लॉक कटेगा 365 और 292, ठीक है, ये कटेगा 73 फाइव ज़ा, और ये कटेगा 73 फोर ज़ा, ठीक है। तो 5/4 और ये परसेंट है हम लोग का आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीका से है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम विल बी 168। तो यहाँ पर बोल दिया गया है क्या कि ये वाला जो है आपको इयर्स निकालना है, मतलब टाइम निकालना है आपको, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर विच इंटरेस्ट ऑफ ₹600, यानी कि प्रिंसिपल दे दिया गया है हम लोग का 600, ठीक है, एट द रेट ऑफ, मतलब रेट भी दे दिया गया है 8%, ठीक है, पर एनम विल बी 168, मतलब हम लोग का एस आई दे दिया गया है कितना, 168 रुपीस, ठीक है। तो फॉर्मूला एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक ना। तो एस आई कितना है, 168, पी कितना है हम लोग का 600, आर हम लोग को निकालना है, और टाइम कितना है हम लोग का, टाइम हम लोग को, ठीक है, आर हम लोग का तो 8% है और टाइम हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, टाइम निकालना है तो टी लिख दीजिए बाई 100, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6×8 = 48, तो 168 इक्वल्स टू 6×8 = 48 इंटू टी, ठीक है। अब ये इधर पर इंटू में इक्वल्स टू का इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 168/8 कर दीजिए, ठीक है, 48 कर दीजिए डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, मतलब इक्वल्स टू टी, 2×2 = 2, 4×2, 2×8 = 16, 2×4×, ठीक है, 2×1 = 2×2, 2×4×2×2, 2×6×2×2×1×2×3 = 3, 2×3 = 7, तो आपका 7/2, इसको अगर ईयर्स में हम लोग
लिखे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 3 ईयर्स, ठीक है, और 6 मंथ, 3 ईयर्स और 6 मंथ इसको लिख सकते हैं, ठीक है।